प्रधाननगर थाना पुलिस ने सिलीगुड़ी के तेंजिंग नॉर्गे बस स्टैंड पर अभियान चलाकर भारी मात्रा में गांजे के साथ दो लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के नाम खोकन चौधरी और मुस्तफा मंडल है। खोकन चौधरी दक्षिण दिनाजपुर का निवासी है और मुस्तफा मंडल मुर्शिदाबाद का निवासी बताया गया है। दोनों आरोपी प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर गांजा को दूसरे राज्य में तस्करी करने के उद्देश्य से कुछ बिहार से रवाना हुए थे। इसके बाद गुप्त सूत्रों के आधार पर प्रधान नगर थाने की सादे पोशाक की पुलिस ने जंक्शन के तेंजिंग नॉर्गे बस स्टैंड पर अभियान चलाकर खोकन चौधरी के बैग में एक प्लास्टिक के पैकेट से 11 किलो 300 ग्राम गांजा और मुस्तफा मंडल के बैग से 9 किलो 600 ग्राम गांजा बरामद किया है। बताया गया है कि ये दोनों युवक तेंजिंग नॉर्गे बस स्टैंड पर उतरकर दूसरे राज्य जाने के लिए बस की तलाश में थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से कुल 20 किलो 900 ग्राम गांजा जब्त किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया है। फिलहाल पुलिस पूरी घटना की जाँच कर रही है।